गाइस तुम लोगों ने यूट्यूबर को यूट्यूबर से लड़ते हुए देखा होगा, इंस्टाग्रामर को इंस्टाग्रामर से लड़ते देखा होगा, और कभी कभी यूट्यूबर को इंस्टाग्रामर से लड़ते हुए देखा होगा। लेकिन क्या तुमने कभी दो मोटिवेशनल स्पीकर का झगड़ा देखा है? यस गाइस, रीसेंट टाइम में अभी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी का एकदम ई लफड़ा चालू है बहुत तगड़ी तरीके से। आप क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है? उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ये तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पस को जो मैं देख कर आया था वहाँ पर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए कोर्स खरीदने के जिससे तुम सीखोगे बिजनेस कैसे करते हैं? सही में 50,000 रुपए? भाई अगर मेरे पास 50,000 रुपए और मुझे बिजनेस करना हो तो मैं वो 50,000 रुपए यूज करके जो तुम कोर्स खरीद रहे हो मैं उससे बिजनेस कर लूंगा। तुम भी कर सकते हो, आसान है। नहीं भाई सही में इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती, कोई भी। भाई शार्क टैंक के 4 एपिसोड देख लेता, ज्यादा नॉलेज गेन कर लेता, ये कहां तू कोर्स वोर्स खरीदने के चक्कर में पड़ रहा है। So, संदीप महेश्वरी के चैनल पे वीडियो आने के बाद विवेक बिंद्रा जी को लगा कि उनको टारगेट किया गया है। वेल, उन्हें लगना भी चाहिए था क्योंकि किया तो नहीं गया है भाई, जहां तक मुझे समझ में आया है। इसके बाद क्या था, विवेक बिंद्रा जी ने जो है केस ठोक दिया डेफेमेशन का संदीप महेश्वरी के ऊपर। मतलब मुझे पक्का नहीं पता केस लगाया है या फिर नहीं लगाया, सिर्फ धमकी मिली थी। मतलब ऐसा संदीप महेश्वरी का कहना है कि उन्हें धमकी दी गई है, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में आगे बताया था। वेल, अगर तुम इस सारी सिचुएशन में मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पे गलती संदीप महेश्वरी की ही है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई बात बात में तो वो कहते रहते हैं आसान है, आसान है। तो भाई विवेक बिंद्रा जी को लगा कि केस ठोकना भी आसान है, तो उन्होंने भाई केस ठोक दिया। एक जो है लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रहा है और दूसरा जो है अपने चैनल पे एक्सपोज करने की। वेल, ये सारी चीजें देखने के बाद संदीप महेश्वरी जी को तो डेजा वो हो गया होगा, वो भी कह रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो कुछ टाइम पहले मैं किसी और के साथ कर रहा था, अब ये मेरे साथ ही हो रही है। वेल, विवेक बिंद्रा जी जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक कोर्स बनाया था जिसमें सिखा रहे थे कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे तुम बिजनेस करके लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हो। देखो, इस टाइप के कोर्सेज काम के होते हैं नहीं होते हैं, इनसे इंसान को सीख सकता है कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज में संदीप महेश्वरी का ऐसा कहना था कि इन सारी चीजों में तुम ना पढ़ो। इस सारे ई लफड़े में बहुत सारी चीज हुई, संदीप भाई ने बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट भी डाले जिसमें से एक था कि अगर तुम एक 50 रुपए का कंघा एक इंसान को बेचते हो तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम वो 50 रुपए का कंघा किसी इंसान को, गंजे आदमी को बेच के ये कहते हो कि इससे तुम्हारे बाल आ जाएंगे, 50,000 रुपए का ये ले लो, तो वो चीज गलत है। वेल, संदीप भाई मुझे लगता है तुम तो सारे मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ हो रहे हो, ये विवेक बिंद्रा से तुम टकला मोटिवेशन के ऊपर कहां आ गए? गंजा बाल वाल किधर? मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? आगे का तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो यहाँ पॉज करके पढ़ लेना। विंद्रा भाई तो भाई फुल बदमाश हो रहे हैं, कह रहे लीगल नोटिस पे लीगल नोटिस भेजूंगा। भाई प्लीज मेरे घर मत भेजना और मेरे घर एम्प्लॉय भी मत भेजना कोई, नहीं मतलब ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आना चाय वाय पीना बैठ के, लेकिन मेरी गली के जो कुत्ता है ना वो कोट पैंट पहने हुए इंसानों में एकदम भौंकने लगते हैं, तुम्हें दिक्कत होगी। और संदीप सर, यार मैंने माना कि तुमने अपने YouTube चैनल पे एड्स नहीं लगवा रखे, लेकिन कम से कम घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड्स तो लगवा सकते हो। क्या कोई भी आ जा रहा है? कल को कोई सब्सक्राइबर बुझ जाएगा बिग फैन सर। फिर सो बेसिकली ये जो चीजें होती है ना कि किसी के बारे किसी ने थोड़ा बहुत नेगेटिव बोल दिया, तो जो अच्छे लोग होते हैं मतलब जिन्हें अपनी ज्यादा कोई फिक्र विकर नहीं होती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसे, तो वो इस पे इतनी गौर नहीं देते हैं। लेकिन तुमने वो सुना है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है ना वो डर जाते हैं ऐसी चीजों से एकदम कि भाई मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा मेरी इमेज एकदम खराब हो जाएगी। लोगों का ये कहना था भाई कि उन्हें जो कोर्स बेचे जा रहा ना उनसे ये कहा जा रहा था कि इस कोर्स से तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, करोड़पति बन जाओगे, और ये बने नहीं, इन्होंने पैसे कमाए नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं फ्रॉड है सब कुछ। सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पे तुम्हारी ही सबसे ज्यादा गलती है। अगर ऐसे कुछ काम करता तो मैं दिन के 10 कोर्स खरीद लूं, सबको पीछे छोड़ दूंगा, इलोन मस्क भी मेरे। उसके बाद बट ऐसा होता नहीं है भाई, मुझे अच्छी बॉडी या फिर अच्छी हेल्थ चाहिए होगी तो मैं जिम जाके वहां मेहनत करूंगा, ये नहीं कि बस जिम का सब्सक्रिप्शन लेके फीस देके मैं तंदुरुस्त बन जाऊंगा। और बिजनेस ठीक ना भाई, 4 दोस्त बनाओ, बनिए दोस्त,
वो देखो तुम्हें कैसे बढ़िया बढ़िया चीजें सिखा देता है दुनियादारी बिजनेस के बारे में। कहाँ कोर्स कहाँ किताबों में घुस रहे हो। बात तो सही है, मतलब किताबें पढ़ना नॉलेज गेन करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये जरूरी है भाई। बेचने वाला भी गलत है, खरीदने वाला भी गलत है, मेरे लिए तो सब गलत है भाई। तुम लालची और लालच में आ रहे थे ना, अभी अभी खा लिया तुमने लॉस। अब तुम कह सकते हो धीरू भाई काला था तो वो बेच ही क्यों रहा है। भाई बिकता तो सब है ना, शराब सुट्टा नशे स्मैक LSD सब ले ले, बिक तो सब रही है, वो तो तुम्हारे ऊपर है खरीदनी नहीं खरीदनी। मतलब मेरे से नहीं भाई, मेरा इन चीज से कोई, इन सारी चीजों से कोई नाता नहीं, इन जनरल बता रहा हूँ मैं। मतलब एक इंसान का ये बिजनेस है कि वो अपने कोर्स को बेच रहा है बिजनेस सिखाने के लिए, और ये उसका बिजनेस है। समझ रहे हो तुम नहीं। वेल इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं, क्योंकि आजकल तो हर कोई बिजनेसमैन ही है ना, कुल्लड़ पिज्जा बेचने वाला, चाय बेचने वाला, फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं भाई बिजनेस के नाम पे। वेल रुकते हैं, चाय वालों की बात नहीं करते हैं भाई, ये लीगल नोटिस भेजवा देते हैं, फिर वीडियो भेजवा देते हैं साले। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा भाई, तो क्यों भेज रहा बार बार मेरे घर पे पेपर है, समोसे में प्लेट में रख के खा लूंगा साले पनौती। भाई मेरे चैनल से वीडियो हटे हैं, तुम्हें पता नहीं है मेरे चैनल में बहुत दिक्कत चल रही है इन सारी चीजों की वजह से। तो अंदर है मेरे थोड़ा सा, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तुम लाइक कर देने वाला वीडियो और थोड़ा प्यार दिखाओ भाई, आजकल ना तुम पुराना वाला प्यार नहीं दिखा रहे हो। कोई नहीं भाई, मैं तुम्हारा प्यार जीत के दिखाऊंगा। भाई मंथली कितना कमाते हो और क्या एज है? भाई 20 साल का हूँ और 2 खोखे आते हैं। 2 खोखे मतलब 2 करोड़ रेवेन्यू। और क्या करते हो? भाई ट्रेडिंग, सब ब्रोकिंग, रेफरल, सब ब्रोकिंग। भाई दलाली कहते हैं इसे बिजनेस नहीं, अमेरिका का दलाल बहन। सब ब्रोकिंग मतलब भाई ब्रोकर का भी ब्रोकर, दलाली x 100। ट्रेडिंग, सब ब्रोकिंग, रेफरल्स, सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, रियल इस्टेट। ये जो 2 करोड़ बताया ना मंथली इनकम, वो बाप की जमीन बेचने की बात कर रहा था ये, कि पिताजी की जमीन बेची तब जाके 2 करोड़ रुपए आए। क्योंकि अगर मंथ के 2 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी तुझे यहाँ के इंटरव्यू देना पड़ रहा है, तो क्या ही 2 करोड़ रुपए कमाए तूने? कम से कम संदीप सर के शो को तो जा। आप जाके YouTube पे सर्च करो, भाई की वीडियो मिल जाएंगी, पूरा देखो, समझ में आ जाएगा, चालू करो। जैसे मैंने सब ब्रोकिंग बोला, रेफरल्स का काम है, 4-5 दोस्त होंगे उससे चालू करो, कोई कॉस्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, कोई लॉस का चांस ही नहीं है, तुम जितना रेफरल करोगे उतना पैसा आएगा, मतलब आएगा जाएगा कुछ नहीं, ओनली गांधी जी इनकमिंग, नो आउटगोइंग। और बाकी के लिए भाई और मेरे को फॉलो कर लो। अरे थैंक यू सर। कमेंट पढ़ते हैं भाई, आ जाओ। भाई मैं रोस्ट वोस्ट नहीं कर रहा ज्यादा, कमेंट पढ़ते हैं ठीक है, मेरा मन नहीं आज ज्यादा वायलेंस करने का, जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला। ये तो भाई रेसिस्ट हो गया बहुत ज्यादा, सॉरी मैं इस पे नहीं हंसूंगा। गुलाब जामुन और बालू साई बोला होता तो शायद मस देता। व्हेन ही सेड टीम बना रखी, आई वाज थिंकिंग ड्रीम 11। अरे ऐसा मत कर दे, नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन एलिफेंट एंड बफेलो। भाई टू डार्क, सॉरी। गोली बेटा मस्ती नहीं। भाई ये बेस्ट है। जिस उम्र में लोग कहते हैं मेरे बाबू ने ताना ताया, उसी उम्र में हम हिसाब लगाते मेरे बिजनेस ने कितना कमाया। भाई ने ट्रेडिंग से गाड़ी खरीद ली, इसका ये कहना है, लाइसेंस है तेरे पास? है लाइसेंस है तुझे? तो रोड पे साइकिल जिसमें सपोर्ट्स होती है ना दोनों साइड, वो चलाने का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, गाड़ी चलाने का लाइसेंस तो छोड़। और इस उम्र के बालक ट्रेडिंग से नई कार ला रहे हैं। भाई तुम लोग सिर्फ ट्रेडिंग से सर दर्द ला सकते हो इस उम्र में, कार नहीं, सच सच बता किसकी है? तेरे चाचा ने खरीदी ना नहीं है, तू जिद करके आया है मैं भी चलूंगा, फोटो खिंचाने मुझे। वैसे अच्छी एडिट करता है रील, तू मेरे लिए करेगा? मुझे बहुत शौक है रील बनाने का। कर लेगा तो अच्छा रहेगा, जितना तू ट्रेडिंग से कमाता होगा ना उससे ज्यादा ही दे दूंगा, 10 रुपए। वेल तुम्हें इस टाइप की वीडियोस पे रोस्टिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बनाऊंगा, वो भी मैं 5000 कमेंट्स आने के बाद ही बनाऊंगा इस वीडियो पे, अगर 5000 कमेंट आएंगे, नहीं तो नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है किसी बालक का दिल दुखाने का। किसी एक नहीं मतलब बहुत सारे बालकों का दिल दुखाने का। 5000 कमेंट करना अगर तुम्हें अच्छी से रोस्टिंग वीडियो चाहिए ये सब चीजों पे जो फालतू का फ्लैक्स करते हैं इंटरनेट पे। और ये जो हमने भी सारी चीजें डिस्कस की है ना, ये सारी चीजें वर्क करती होंगी भाई बिजनेस में, बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ही ज्यादा, कितने कितने अमीर बिजनेसमैन से तुम्हें पता है, ट्रेडर्स भी है बहुत अच्छी कोर्सेज भी आते हैं जिनसे तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। बट तुम्हें अपने दिमाग चला के चीजें देखनी है यार, कि क्या तुम्हारे लिए वर्क करता है क्या नहीं करता है, कि किस चीज से तुम्हें फायदा हो सकता है, किस चीज से कोई कुछ फायदा नहीं हो सकता। ठीक है, बस इस ज्यादा ज्ञान नहीं पे लूंगा, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगली और किसी शाम को और किसी रात को मौज मस्ती करते हुए। बाय।